गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के रजादी गांव में सोमवार को हुई हत्या का पुलिस ने एक दिन बाद ही खुलासा कर दिया है। दरअसल गांव के ही मां बेटे ने एक शख्स की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को राजादी गांव के नहर के पास फेंक दिया था। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया। ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि वारदात की रात राहुल ने चंद्रदेव बनवासी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। इस वारदात में उसकी मां मीना देवी भी शामिल थी। हत्या के बाद शव को गांव के ही नहर के पास फेंक कर दोनों फरार हो गए। मंगलवार की सुबह तलवल मोड़ से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही कत्ल में इस्तेमाल की गई लाठी और ईंट भी बरामद कर ली गई है। दरअसल सोमवार की सुबह रजादी गांव के नहर के पास एक युवक का शव मिला था, जिसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए थे। मृतक की शिनाख्त सदर कोतवाली क्षेत्र के मुनवापुर गांव निवासी चंद्रदेव बनवासी के रूप में हुई थी। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। मामले की छानबीन चल रही थी। छानबीन में इस वारदात के पीछे माँ बेटे के हाथ होने की बात सामने आई। उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जिसके घर के राहुल के घर के सामने पाया गया था, तो गांव वालों से जब इसकी इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि राहुल और इसकी मदर ने मिलकर के लाठी से इसको पीटा था। जब उससे राहुल और उसकी घर वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये उनके घर में के बाहर नल के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने चोर समझ करके इसको दौड़ाया और पकड़ के पीटा। मुजफ्फरनगर से खबर है, नदी में डूबा हुआ बच्चा। हिंडन नदी में नहाने के लिए तीन बच्चे गए थे, एक बच्चा नदी में डूब गया है। बच्चे के डूबने के समय मौजूद दोनों बच्चों ने शोर मचाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस का गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान फिलहाल जारी है। थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर रोड हिंडन नदी का मामला बताया जा रहा है। बस्ती में एक युवक को सांप बार बार काट रहा है और युवक पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हो रहा। खबर आपको चौंकाएगी जरूर, मगर ये सच है। बस्ती के गांव रामपुर में यश नाम के एक युवक को सांप लगातार अपना शिकार बना रहा है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत है। ये रिपोर्ट देखिए। बस्ती में एक युवक को जहरीले सांप के काटने और बार बार काटने का मामला सामने आया है। कमाल की बात यह है कि इस शख्स पर सांप के जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होता। खुदहरा ब्लॉक का रामपुर गांव इस समय सुर्खियों में है, जहां यश मिश्रा नाम के युवक को जहरीला सांप बार बार काटने के लिए तलाश कर रहा है और पिछले 45 दिनों में सांप ने यश को 8 बार काटा है। कमाल की बात यह है कि सांप ने यश को जितनी बार भी काटा है उतनी बार यश की जान बच गई है। गांव वालों की नजर में पहेली बने इस मामले में यश और नाग के बीच जरूर कोई गहरा नाता है, जिसको सांप बार बार काट कर बताने की कोशिश कर रहा है। 8 बार मैं इस हॉस्पिटल में आया, एक बार तो रिफर होके गोरखपुर लेके गया, वहाँ से इलाज करवा के ले आया और गांव पे इसको घर पे रखते थे, 3 बार घर पे काटा तो इसको घर से हटा दिए। ये हुआ कि हो सकता है कोई ऐसी दिक्कत हो घर पे तो उसको हटा दिया जाए, तो हो सकता है इसी व्यवस्था बने। फिर सांप को हम निकलवाए भी, 2 सांप निकले, उसके बाद इसको हम घर से बाहर कर दिए, वहाँ भी काट लिया। उसी तरीके से आज भी सिलसिला चल रहा है, 2 सांप निकलने के बाद भी अभी भी 8वीं बार इसको सांप काटा है। एक महीने सवा महीने के अंदर इसको 8वीं बार सांप काट चुका है और जितने डॉक्टर हैं वो भी परेशान हैं, यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं, एक बच्चे को इतनी बार सांप क्यों काट रहा है। बार बार हो रही इस घटना से यश के परिवार वाले दहशत में हैं। युवक के परिजनों का कहना है कि जिस दिन सावन के महीने की शुरुआत हुई उस दिन पहली बार सांप ने यश को काटा था, जिसके बाद आनन फानन में परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। इसके बाद फिर तीसरे दिन उसी सांप ने यश को फिर से काटा और परिजन उन्हें यश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद उसे फिर से घर वापस भेज दिया गया।
कुछ इसी तरह 45 दिन के अंदर सांप बार बार यश को काटता रहा और यश ठीक होता रहा। मैं इस बच्चे का चाचा लगता हूँ। क्या दिक्कत हो गई इनको? इसको एक सवा महीने के भीतर लगभग 8 बार सांप काट चुका है, और जबकि इसकी विशेष सुरक्षा रहती है घर पर कि किसी प्रकार की इसके साथ सावधानी नहीं रहती है और न कहीं घर से बाहर निकालने जाने पाता है, फिर भी इसको बार बार सांप आकर के काट लेता है, अवसर मिलते हैं उसे। अब उसका इसका क्या संबंध है? और बार बार अस्पताल में आता है, इलाज होता है, यहाँ से ठीक होकर चला जाता है। आपको क्या परेशानी हो रही है? सांप काटता है बार बार। कितनी बार काट चुका है? 8 बार। घर पे ही काटता है दिन में या रात में? घर पे ही काटता है दिन में। आपका इलाज कहाँ से हो रहा है? बस्ती सदर। यश के परिजनों की माने तो उन्होंने सांप के प्रकोप से बचने के लिए झाड़ फूंक से लेकर कई तरह की पूजा पाठ भी करा ली है, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। लगातार सांप का शिकार हो रहे यश मिश्रा अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जहरीले सांप द्वारा बार बार एक ही शख्स को डसने या काटने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, ये बता पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस घटना से गाँव में लोग खौफजदा है। फिलहाल जिस जहरीले सांप ने यश को बार बार काटा है उसे एक सपेरे ने पकड़ लिया है, जिसके बाद से यश के परिवार वालों ने राहत की सांस जरूर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। केंद्र की मोदी सरकार ने जहां एक ओर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब जनता के लिए खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की है, वहीं जिला स्तर पर सरकार की योजनाओं का मजाक बनाया जा रहा है। देवरिया के मद्रापाली खास गांव में राशन के लिए गरीब कोटेदार की अभद्रता के शिकार हो रहे हैं। देवरिया के मद्रापाली खास गांव में कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार किरण देवी के पति की दबंगई के चलते गांव वालों के राशन में कटौती हो रही है। कोटेदार के पति मनमानी करते हुए ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। समस्या है कि 35 किलो मिलेगी चाहिए तो 30 किलो 28 किलो देते हैं चावल गेहूँ। कितना कार्ड में कितने लोग हैं? लोग तो हम लोग हैं ज़्यादा, लेकिन बाहर में हैं, घर पर हैं 5 आदमी, 4 ऊनूठ है, उनमें कुछ कट गई बा। ये अंत्योदय कार्ड वाले हैं? हाँ अंत्योदय कार्ड वाले हैं। हाँ हाँ अंत्योदय कार्ड आपका है? जब कहा जाता है तो कहते हैं कि हम देख लेंगे, हमारे पास है ही है 3 साल से। हाँ हाँ कैसे शिकायत कर ला, गांव के मुखिया कर ही नहीं पाएंगे और केहू कर ही नहीं पाई, हमारी लग जंगरे नहीं थे। किरण देवी कोटेदार हैं, वहाँ पर जाने पर 35 किलो मांगते हैं तो कम देते हैं और डांट कर। कितना कार्ड में कितनी यूनिट है आपके यहाँ? कितने लोग हैं परिवार में? 7 आदमी। और मिलता कितना है? मिलता है 26-27 किलो मिलता है। क्यों कम देते हैं? अब डांट के फज्जत करके भगा देते हैं। शिकायत आपने कब किया? किया है, प्रधान लोग से कहते हैं, जनता से कहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 35 किलो राशन मांगने पर सिर्फ 25 से 26 किलो राशन ही दिया जाता है, अगर ग्रामीण राशन ज्यादा मांग ले तो डांट पड़ जाती है। तो वहीं कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार के पति ग्रामीणों के साथ गाली गलौच भी करते हैं। कोटेदार के पति की हरकतों से परेशान ग्रामीणों ने उसकी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी से भी की, लेकिन कार्रवाई की बात तो कही गई पर जांच अभी तक नहीं हुई। मदिरापाली खास की शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें मैंने जो है क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को नामित किया है जांच के लिए, और संभवतः कल इसकी जांच मैं कराऊंगा, और शिकायत गंभीर अगर पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है, तो इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उचित दर विक्रेता को घटतौली करने का, अधिक मूल्य लेने का या खराब व्यवहार करने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल मद्रापाली खास गांव में कोटेदार के पति की दबंगई के चलते गांव में गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी ने मामले में जांच की बात कही है, लेकिन गांव वाले कोटेदार की मनमानी का शिकार कब तक होंगे इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बागपत के जौहड़ी गांव स्थित बीपी सिंघल शूटिंग रेंज में खेलो इंडिया का सेंटर खोलने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज तैयार किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बागपत के जौहड़ी गांव स्थित बीपी सिंघल शूटिंग रेंज में खेलो इंडिया का सेंटर खोलने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज तैयार किए जाएंगे। देश भर में दो स्थानों पर निशानेबाजी के सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें से एक बागपत के जौहड़ी और दूसरा मेरठ सेंटर पर अभ्यास कराने के लिए कोच रखा जाएगा। सेंटर में बायोमेट्रिक मशीन और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे शूटिंग रेंज की मॉनिटरिंग की जा सके। खेलो इंडिया का सेंटर खुलने पर जनपद भर के निशानेबाजों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वैसे तो हमारे यहाँ 2002 से भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंटर डे बोर्डिंग का था, परंतु अब हमारी सब परफॉर्मेंस को देखते हुए खेलो इंडिया ने यहाँ पे सेंटर खोला है, और सबसे पहला भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंटर जोड़ी में खुला, उसके बाद वो गोडविन स्कूल मेरठ में खुला। अब पूरे इंडिया में इन दो को ही खेलो इंडिया का शूटिंग का सेंटर बनाने जा रही है। यहाँ पे शूटिंग बहुत काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन अभी जैसे खेलो इंडिया सरकार ने सोचा हमारे बारे में, पहले भी बहुत खिलाड़ी निकले यहाँ से इंटरनेशनल नेशनल, लेकिन इतनी सुविधा नहीं थी हमारे पास। अब ना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी हमें और वेपन्स मिलेंगे अब हमें, तो ये है कि फ़ायदा होगा अब हमें, हमारे ऊपर ध्यान जा रहा है, तो अब हमें इन चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स पहले भी थे और अब भी निकले। 18 साल थे यहाँ से, बहुत अच्छे खिलाड़ी बहुत गए और खुलना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। और 18 साल में हमारी सरकार ही जागी, ये यहाँ से और सुविधा देगी और बच्चे यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने लगभग 18 साल पहले जौहड़ी गांव में शूटिंग रेंज खोली थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। इस शूटिंग रेंज से लगभग 41 अंतर्राष्ट्रीय और 300 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज तैयार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बुलंदशहर के गांव नवादा में एक किसान के पास बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद 26,000 रुपये का बिजली का बिल आया। किसान का आरोप है कि बिजली विभाग धोखाधड़ी कर रहा है। अब किसान और उसके परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव नवादा की, जहां किसान मनोहर सिंह दिखा रहे हैं कि उनके खेत पर ना तो बिजली का खंभा है और ना ही बिजली की तार। बिजली का नलकूप कनेक्शन न होने के कारण अभी तक ट्यूबवेल भी नहीं लगा है। बावजूद इसके मनोहर सिंह के पास बिजली विभाग की तरफ से 26,385 रुपए का बिजली का बिल भेजा गया है। मामले को लेकर पीड़ित किसान का दावा है कि पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने उसके नाम पर कनेक्शन दिखाकर विद्युत विभाग से जारी सामान कहीं और बेच दिया। यानी कोई खम्मा है न कोई तार है, और दो साल रह गए इस मामले में बिजली के में, और आज तक कोई सुनवाई ना हुई, और 26,000 का बिल और आएगा हम पर। 26,000 कितना? 385 का बिल। क्या चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? कार्रवाई होनी चाहिए उनके सामने। ये हम दो साल से परेशान कर रखे हैं इन लोगों ने, ना कोई कोर्ट रहा है ना कुछ है यहाँ। अब किसान और उसके परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। ये ट्यूबवेल का मामला ये है कि विगत दो वर्ष पहले यानी 8 सितंबर 2018 को हमने विद्युत विभाग बुलंदशहर में निजी नलकूप संयोजन के लिए हमने आवेदन किया था, जिसकी 100 रुपये की रसीद भी हमने कटाई थी। उसके बाद में हमने TC शुल्क के रूप में 9,800 रुपये जमा किए थे। तो ये सामान्य योजना के अंतर्गत हमने अप्लाई किया था। अब हुआ ये कि जब दो साल से हमें ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल पाया, तो हमने इसके लिए मैंने 27 जुलाई में एक शिकायत संख्या IGRS पर मैंने दर्ज कराई, जिसका जवाब विद्युत विभाग ने मुझे दिया कि अभी हम 30 जून 2018 तक ही जो नलकूप संयोजन निर्गत कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने प्रक्रिया शुल्क 30 जून 2018 तक जमा करा दिया था उनको इन्होंने संयोजन दे दिया है, और मुझे मेरे जो लंबित जो आवेदनों में मेरा जो क्रम था उसको 60वां होना बताया 60,
अब उसके बाद में जब मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, पुनः मैंने 2 अगस्त 2020 को फिर मैंने दर्ज कराया, तो इन्होंने उसमें भी यही जवाब लगा दिया। दरअसल किसान मनोहर सिंह ने 8 सितंबर 2018 को सरकारी योजना के तहत नलकूप लगवाने के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इस योजना के तहत किसान मनोहर ने नलकूप के लिए 9,800 रुपए का शुल्क भी जमा किया था, मगर जब बिजली का कनेक्शन नहीं मिला और बिल आया तो पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की, लेकिन किसान की शिकायत पर जब तक कोई कार्रवाई होती तब तक बिजली विभाग की तरफ से किसान के पास 26,385 रुपए का बिजली का बिल पहुंच चुका था। अब इस मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीएम बुलंदशहर को ट्वीट कर हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रकरण ये है कि उनके द्वारा 2018 में आवेदन किया गया था नलकूप के संयोजन के लिए, उन्होंने उसके उसमें जो है पैसा जमा कराया 20/19 को, फरवरी 19 में उन्होंने पैसा जमा कराया और साथ में ही अपना एग्रीमेंट भी कर लिया, तो जो हमारे कार्यालय सहायक थे उनकी गलती से वो बिल भी उसका निर्गत हो गया जो है, तो ये गलत है, वो बिल जो है निरस्त कर दिया गया है और संबंधित कार्यालय सहायक के विरुद्ध कार्यवाही भी करने हेतु जो है संबंधित को निर्देशित कर दिया गया। तो उधर गरीब किसान और उसका परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अपना गांव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।